गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बी कॉम पार्ट सेकेंड. आई एम डॉक्टर अभिनव कमल रायना. टुडे आई विल डिस्कस अबाउट कॉरपोरेट अकाउंटिंग. स्टार्ट विथ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. विद्यार्थियों, लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा क्या है? लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा पिछले 3 वर्षों से आपने पढ़ा होगा और समझा होगा. चूंकि बीकॉम पार्ट फर्स्ट में एबीएसटी के 2 पेपर्स एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स के रूप में हमने पढ़े हैं, तो विशेषकर अकाउंटिंग या लेखांकन एक परिचय, इनका अर्थ और परिभाषा को एक बार हम पुनः समझने की कोशिश करेंगे और इसका स्वरूप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में किस प्रकार से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के तत्व, जिसमें ऋण पत्रों का निर्गमन जिसको हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग प्रॉफिट, इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, फाइनल अकाउंटिंग ऑफ कंपनीज एंड मैनेजरियल रिम्यूनरेशन, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स एंड इशू ऑफ बोनस शेयर, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, एमलगमेशन ऑफ कंपनीज, होल्डिंग कंपनीज, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स. इसको समझने के लिए हमको लेखांकन के मूल तत्व के बारे में समझना बहुत ही आवश्यक है. लेखांकन क्रियाओं, व्यवसायों को ये जानकारी प्रदान करती है कि एक निश्चित अवधि में उनकी व्यावसायिक क्रियाओं का परिणाम क्या रहा. What was the results regarding the business in a particular period? इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप उसे शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि कितनी हुई तथा उनकी संपत्तियों एवं दायित्वों एक निश्चित तिथि के अनुसार क्या रहा तथा दिन प्रतिदिन जो कुछ भी व्यवहार होते हैं, जिनको हम टेक्निकल भाषा में बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं, उनका लेखा करने के लिए कुछ पुस्तकें लेखा या विवरण, कैश बुक, लेजर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स किस प्रकार से बनाए जाते हैं और किस तरह से इनकी सहायता से अंत में
अंतिम खाते जिनको बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है ताकि व्यापार की वास्तविक स्थिति का हमको ज्ञात हो और दूसरे वर्ष के लिए हम पिछले वर्ष के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को ध्यान में रखकर कुछ नए बिजनेस फोरकास्टिंग के आधार पर, बिजनेस स्ट्रेटजीज के आधार पर रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट के आधार पर व्यापक ढंग से संस्था या निगम या बिजनेस एंटिटी में इसका क्या प्रारूप रहेगा, इसके लिए अकाउंटिंग को जानना और समझना बहुत ही आवश्यक है। जहाँ तक लेखांकन की परिभाषा के बारे में बताया गया है विभिन्न विद्वानों द्वारा, उसके अनुसार ये डेफिनेशन हमारे समक्ष आती है कि लेखांकन उन व्यवहारों और घटकों को जो कि कम से कम अंशा वित्तीय प्रकृति के हो, मुद्रा के रूप में प्रभावपूर्ण तरीके से लिखने, वर्गीकृत करने तथा सारांश निकालने एवं उसकी परिभाषा को व्याख्यान करने की एक कला है। ये लेखांकन की परिभाषा का सारांश है, जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। अगर हम इस परिभाषा का एनालिसिस करेंगे, लेखांकन एक कला है, इस कला का उपयोग वित्तीय प्रकृति के मुद्रा में मापनीय व्यवहारों और घटनाओं के अभिलेखन, वर्गीकरण, निर्वचन, संक्षेपण के लिए किया जाता है। विद्यार्थियों, लेखांकन मुख्यतः वित्तीय प्रकृति के व्यवहारिक लेन देनों की घटनाओं के वर्गीकरण का एक विज्ञान है और इस लेन देनों और घटनाओं का महत्वपूर्ण सारांश बनाने, विश्लेषण तथा व्याख्याता करने और परिणामों को उस व्यक्तियों को बताने की एक कला है जिन्हें निर्णय लेने होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार लेखांकन पूर्ण निश्चित विज्ञान न होकर लगभग विज्ञान की परिभाषा में इसलिए आता है क्योंकि इसमें हमको रूल्स ऑफ बुककीपिंग, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को ध्यान में रखकर ही किसी खास विधि के अनुसार लेखांकन का कार्य करना पड़ता है।
अगर हम लेखांकन की विशेषताओं के बारे में कहेंगे तो विद्यार्थियों, लेखांकन एक सेवा कार्यकलाप है। ये व्यावसायिक लेन देन एवं घटनाओं को लिखने एवं वर्गीकृत करने की कला एवं विज्ञान है। लेखांकन उन्हीं लेन देनों का किया जाता है जो वित्तीय प्रकृति के होते हैं। लेखांकन सारांश लिखने, विश्लेषण करने एवं निर्वचन करने की एक कला है। लेखांकन द्वारा संबंधित पक्षकारों को विश्वसनीय एवं प्रामाणिक वित्तीय सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। इसकी सहायता से संबंधित व्यक्ति उपलब्ध वित्तीय विकल्प के तर्क एवं उसके समक्ष वित्तीय निर्णयों को समझने की कोशिश करता है। एक सूचना प्रणाली के रूप में ये प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है, जिसमें संपूर्ण वित्तीय समस्याएं होती हैं। लेखांकन के माध्यम से आर्थिक क्रियाकलापों के प्रतिरूप किया जाता है। अगर हम लेखांकन की आवश्यकता एवं उद्देश्य की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत नंबर वन, लेन देनों का लेखा करना, आर्थिक स्थिति की जानकारी करना, आर्थिक क्रियाओं के परिणामों की जानकारी करना, कर संबंधी सूचनाएं तैयार करना, वित्तीय संस्थाओं के लिए सूचना तैयार करना एवं व्यवसाय के हित रखने वाले पक्षों का सूचना देना। लेखांकन सूचनाओं के उपयोग में दो बातें हमको बहुत ज़रूरी ध्यान में रखनी होती हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल के अंतर्गत स्वामी यदि व्यवसाय संचालित में संगलन है, प्रबंधन और कर्मचारी, जबकि बाहरी में लेनदार, ऋणदाता, कराधिकारी, उपभोक्ता, श्रम संगठन, भावी विनियोक्ता, वित्तीय विश्लेषण, समाजशास्त्री, व्यय अर्थशास्त्री, सरकार और जनता। इसके अतिरिक्त अगर हम लेखांकन की शाखाएं एवं लेखांकन के उपदेश या उपक्षेत्र के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, जिसको हम कहते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, उसके अंतर्गत वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लागत अंकेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रबंधकीय लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मुद्रा प्रसार लेखांकन, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, सामाजिक लेखांकन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मानव संसाधन लेखांकन, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग और पर्यावरणीय लेखांकन, जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। इसके अतिरिक्त आजकल पर्यटन अकाउंटिंग एवं सैटेलाइट अकाउंटिंग को भी महत्व दिया जाता है। वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत लेखों को
प्रारंभिक बहियों में दर्ज करना, ट्रायल बैलेंस को बनाना, उनको जांच करना, लेजर को बनाना, कैश बुक को मेंटेन करना तथा वित्तीय विवरण तैयार कर लाभ हानि आर्थिक स्थिति को ज्ञात करना होता है। लागत लेखांकन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत किसी वस्तु में उत्पादन की संबंधित विभिन्न लागतों का वर्गीकरण कर उत्पादन लागत एवं कुल लागत ज्ञात करना तथा लागत नियंत्रण एवं लागत कटौती हेतु तकनीकें अपनाना, ये सब लागत लेखांकन, जिसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग भी कहते हैं, के अंतर्गत आता है। प्रबंधकीय लेखांकन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत व्यवसाय के स्वामियों एवं प्रबंधकों के निर्णय लेने में मदद करने हेतु वित्तीय आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, विश्लेषण कर उपलब्ध कराना ताकि वर्तमान स्थिति की सही समीक्षा कर भावी योजनाओं का निर्माण किया जा सके। इसके अंतर्गत मैनेजमेंट ऑडिट प्रबंधकीय अंकेशन भी आता है। मुद्रास्फीति लेखांकन, जिसको हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कहते हैं, के अंतर्गत मुद्रा प्रसार के कारण ऐतिहासिक लागतों पर आधारित वित्तीय लेखांकन के स्थान पर मुद्रा की बदली हुई क्रय शक्ति के अनुसार भौतिक संपत्तियों के मूल्यों को समायोजित करने एवं व्यावसायिक गतिविधियों के लाभों में से मुद्रा प्रसार के कारण दर्शाए हुए लाभों को मुद्रा में वास्तविक मूल्य पर आधारित लाभों का निर्णय करने को मुद्रास्फीति लेखांकन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में सामाजिक लेखांकन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंतर्गत व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा समाज हित के किए गए लागतों और उनके प्रभाव और लाभों का मूल्यांकन का सामाजिक आय विवरण और सामाजिक चिट्ठा प्रस्तुत करने को सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन कहते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में मानव संसाधन लेखांकन, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी कहते हैं, व्यावसायिक उपक्रम में प्रबंधकीय एवं गैर प्रबंधकीय व्यक्तियों के संबंध में उपयोगी सूचनाओं की पहचान, मापन लेखांकन एवं संस्थाओं को प्रस्तुतिकरण करने के मानकीय संसाधन लेखांकन के अंतर्गत माना जाता है। मानव प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम की गतिशील एवं मूल्यवान संपत्ति है, अतः इस संपत्ति के संबंध में उपयोगी तथ्यों की सही सही पहचान कर मानवीय संसाधन लेखांकन का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। विद्यार्थियों, आज कल सरकार और विश्व पर्यावरण के प्रति बड़ा जागरूक हैं। इसी के अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों में पर्यावरणीय लेखांकन पर भी बहुत अधिक जोर दिया गया है, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। इसके अंतर्गत पर्यावरण में
उपलब्ध संसाधनों के व्यावसायिक उपक्रम द्वारा उपयोग एवं पर्यावरण संरक्षण और सुधार हेतु किए गए विनियोगों संबंधी योजनाओं लागतों आदि की प्रस्तुत करने की पर्यावरणीय लेखांकन कहते हैं। विद्यार्थियों, लेखांकन में एक महत्वपूर्ण कार्य होता है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग डाटा। इसके अंतर्गत कुछ फंक्शंस क्रिएटिव फंक्शंस होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री फंक्शंस होते हैं, कुछ एक्सप्लेनेटरी फंक्शंस होते हैं, कुछ टेस्टिंग फंक्शंस होते हैं और कुछ अदर फंक्शंस होते हैं। विद्यार्थियों को ये भी समझना पड़ेगा कि क्रिएटिव फंक्शन रचनात्मक कार्य जिनको हम कहते हैं किस प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत व्यवसाय के आकार प्रकार एवं आवश्यकता के अनुसार उचित लेखांकन पद्धति का चुनाव करना, लेखा पुस्तकों की संख्या और आकार का निर्धारण, लेखांकन विधि और लेखा कर्मचारियों का चयन करना, उनके कार्यों की देखरेख एवं निरंतर करना इसके अंतर्गत आता है। डॉक्यूमेंट्री फंक्शंस के अंतर्गत व्यावसायिक व्यवहारों को उचित प्रारंभिक लेखा बहियों को दर्ज करना, उसकी पुनः जांच करना तथा पुस्तपालन के सामान्य कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। एक्सप्लेनेटरी फंक्शंस के अंतर्गत खाता बही का सारांश तैयार कर गणितीय जांच हेतु ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाना तथा विश्लेषण करना आदि कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। टेस्टिंग फंक्शंस के अंतर्गत लेखा पुस्तकों में दर्ज व्यवहारों और अंतिम खातों की विभिन्न प्रमाणकों को आदि की जांच करना अर्थात अंकेशन कार्य को करना तथा अंकेशन जांच प्रायः बड़े व्यवहार में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा कराया जाना अनिवार्य है। जांचकर्ता को अंकेशक कहते हैं। संस्थाओं ने आजकल इंटरनल ऑडिट की भी व्यवस्था की गई है। अन्य कार्यों के अंतर्गत उपयोग कार्यों के अलावा जिसमें क्रिएटिव फंक्शंस, डॉक्यूमेंट्री फंक्शंस, एक्सप्लेनेटरी फंक्शंस और टेस्टिंग फंक्शंस आते हैं, इन कार्यों के अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग, कर विभाग, उपभोक्ता आदि के संबंध में जितने भी सूचनाएं हैं उनको एकत्र करना, विश्लेषण करना और प्रबंधकों के समक्ष विश्लेषण कर उनको प्रकट करना इस कार्य के अंतर्गत आता है। अकाउंटिंग सिस्टम के अंतर्गत लेखा व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में लिखने के बहुत सारे तरीके हैं जिसमें लेखांकन विधियों अथवा लेखांकन प्रणालियां कहते हैं। लेखांकन विधियों को वर्गीकृत 3 खंडों में किया जाता है। नंबर 1, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्रुअल। इसके अंतर्गत कैश सिस्टम अकाउंटिंग और मर्चेंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आते हैं। 2, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ ऑरिजिन के अंतर्गत इंडियन महाजनी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को हम लेते हैं। और 3, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ
नेस के अंतर्गत सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम को लिया जाता है। आजकल जितनी भी हमारी अकाउंटिंग या लेखांकन प्रणालियाँ हैं वो डबल एंट्री लेखा विधि दोहरा लेखा विधि के अंतर्गत ही आती है। विद्यार्थियों, अकाउंटिंग साइकिल को समझने के लिए हमको एक ये समझना चाहिए कि अकाउंटिंग साइकिल एक बिजनेस ट्रांजैक्शन व्यवहार व्यवसाय का को अवगत कराता है। उसी के अंतर्गत जो कार्य कहा गया है वो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, व्यवहारियों को प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में उल्लेख करना तथा वर्गीकृत करना क्लासिफिकेशन, उसके अंतर्गत समराइजेशन, उसके अंतर्गत प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंटिंग और उसके अंतर्गत प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनल अकाउंटिंग, ये इस अकाउंटिंग साइकिल की लास्ट एक प्रक्रिया है। लेखांकन के अन्य तत्व सिस्टम्स की तरह ये एक तंत्र है, लेखांकन चक्र। तंत्र का अर्थ होता है अनेक परंपर अंतर निर्भर समूह लेखांकन अन्य विचारों एवं सिद्धांतों का तंत्र है। प्रत्येक तंत्र को इनपुट तथा आउटपुट तैयार होती है। इन इनपुट और आउटपुट को समझने के लिए हम लेखांकन चक्र का इस्तेमाल करते हैं, जिनको जैसे कि मैंने बिजनेस ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंटिंग, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनल अकाउंटिंग का उल्लेख किया गया है। विद्यार्थियों, इस कॉरपोरेट अकाउंटिंग चैप्टर के लेखांकन को समझने के बाद आप इसके नोट्स तैयार करेंगे तथा अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है, पूछना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9351329052 पर संपर्क कर सकते हैं या मेरे जीमेल अकाउंट akraina.ajmer@gmail.com पर भी अपनी डाउट्स भेज सकते हैं। मैं तुरंत उस पर अपनी टिप्पणी के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा।